आग दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। सुप्रीम कोर्ट में निर्भया को मिला इंसाफ, चारों दोषियों की फांसी की सजा बरकरार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर सेना के खिलाफ बयान देने का आरोप, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। एनएसजी कमांडो ने लाल किले से बरामद ग्रेनेड सुरक्षित हटाया। शिवपाल ने बनाया समाजवादी सेक्युलर मोर्चा, मुलायम सिंह होंगे अध्यक्ष। राजकोट में महात्मा गांधी को पढ़ाने वाला स्कूल 164 साल बाद बंद। एटा में नहर में गिरा बेकाबू ट्रक, 14 लोगों की मौत, 28 घायल। श्रीकांत शर्मा बोले, भ्रष्टाचार को समाप्त करके उत्तर प्रदेश को स्वावलंबी बनाएंगे। गोवा सरकार जुलाई से शुरू करेगी दोपहिया एम्बुलेंस। उत्तर प्रदेश के बांदा में बीमा राशि के लालच में कार से कुचलकर मां की हत्या। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल वोहरा ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, घाटी में सुरक्षा स्थिति की चर्चा की। और भागलपुर के टीएनपी कॉलेज परिसर में छात्रा की ईंट पत्थर मारकर हत्या। तो ये थे अब तक की बड़ी खबरें। ताजातरीन खबरों के लिए बने रहिए वेब दुनिया के साथ।